तो जैसा कि हम लोगों ने आपको एक मैसेज भी शेयर किया था कि हम लोग लाइव होंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टीटीटी टॉपिक्स, ट्रेनर ट्रेनर प्रोग्राम में जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं, जो आप अपने सेंटर्स पर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, समहाउ कहीं आप अटके हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर इन कमेंट बॉक्स आप शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम आपको आंसर करेंगे। एंड आपके होपफुली सभी डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव में वो अपने कमेंट्स डालते रहें, अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग डालें, तो जिसमें हम लोग बात कर पाएंगे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ध्यान रखें कि रिलेटेड टू टीटीटी टॉपिक रहे। गुड आफ्टरनून संतलाल वर्मा जी, कैसे हैं आप? और लाइट। तो मेरा नाम दीपक शर्मा है, बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं क्लिनिकल टीम से हूँ। और अभी जो हमारे साथ अभी आने वाले हैं संजय, ये संजय चौधरी हैं। हेलो दोस्तों। तो संजय चौधरी भी आ गए हैं, तो हम दोनों लोग रहेंगे आपके साथ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इमरान खान, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, गुड आफ्टरनून। अनवर, गुड आफ्टरनून। जसवीर सिंह, गुड आफ्टरनून, वेलकम एवरीवन। तो आपके जो भी टीटीटी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं हमसे। कैमरा थोड़ा ऐसे घुमा ही लेते हैं ना, बेटर रहेगा। चाहिए तो नहीं, अभी चाहिए तो था लेकिन अभी है नहीं हमारे पास। योगेश, चैट इसमें खोल लो, इसमें चैट खोल लो, से हम लोग चैट पढ़ पाएंगे। हम लोग बेसिकली अभी जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो करेंगे हम डायलिसिस एडिक्वेसी, जो हम लोगों ने अपनी तरफ से रखा है कि आप लोग को इस पे थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताना ज़रूरी हमने समझा है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नौशाद, खुर्शीद, योगेश, दिनेश, वंदना, जयसवाल, और भी लोग हैं। जसवीर के बाद अनवर हो गए, इमरान खान हो गए, संतलाल, यस, इन सब। आर के डिजिटल लाइफ, आपका नाम तो इसमें नहीं आ रहा है, तो आप आर के डिजिटल लाइफ आप जो भी हैं, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग डायलिसिस एडिक्वेसी के बारे में बेसिकली बात करने के लिए आज आप लोगों से जुड़े हैं। तो डायलिसिस एडिक्वेसी से रिलेटेड अगर आप में से किसी का भी कोई भी अगर डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी लाइव के दौरान ही। कमेंट कर सकते हैं ना क्वारी? हाँ, कमेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो आप तो भी चाहो तो इसमें ऐसे कहीं तरह से पूछना। सो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, जिसको कोई अगर डाउट है तो आप में से किसी को। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस, इतनी जरूरी है? एमडी हसनैन रजा, गुड आफ्टरनून। हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए, आप भी अच्छे ही होंगे आप होपफुली। तो जैसे कि अभी संजय कह रहे थे कि एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस अगर एडिक्वेट नहीं होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट को झेलनी पड़ती हैं आफ्टर डायलिसिस। मान लीजिए हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम जल्दी में होते हैं या कुछ ऐसा कोई कारण होता है कि जिस वजह से हम जो है 4 घंटे की डायलिसिस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे केस में फिर क्या होता है, पेशेंट को जो डायलिसिस एडिक्वेट नहीं मिलती है तो उसके अंदर जो यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते तो है नहीं है ठीक से, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को फिर भूख ना लगना और सर दर्द होना, बॉडी में हैवी फील करना, या नोजिया वॉमिटिंग इस तरह की चीज़ें होना, या हाइपरटेंशन रहना क्योंकि फ्लूइड पूरा अच्छे से नहीं निकला है, यूरिया ठीक से नहीं निकला है तो उसको भूख भी नहीं लगेगी, इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती हैं। सो वी हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल जब हम डायलिसिस दे रहे हैं पेशेंट को। वी शुड एंश्योर कि उसका 4 घंटे का डायलिसिस होना चाहिए
और नॉट ओनली चार घंटे का डायलिसिस, वो चार घंटे का जो डायलिसिस है वो एडिक्वेट होना चाहिए। आपका जो एक्सेस आप यूज़ करें, लाइक आप फिशला निडल आप पेशेंट को आप लगा रहे हो, तो वो थोड़ा सही ढंग से लगी हो, और अगर आप कैथेटर से उसको अगर आप कर रहे हो, ओके कैमरा मुझे लग रहा है रोटेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि हम थोड़ा टेढ़े नज़र आ रहे हैं। ओके अभी ठीक हो गया। तो क्या है कि प्लीज़ टर्न स्क्रीन 90 degrees। या यू हैव डन सर। अमीना खातून वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड आफ्टरनून। ओके सो क्या होता है कि पेशेंट के साथ जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेशेंट को जो है अच्छा फील नहीं होता है, और भूख ना लगना, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी मास थोड़ा कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से उसका बॉडी वेट गिरता है, फिर वो पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट भी होता है अपना खुद अपनी बॉडी को लेकर के। शोभा वर्मा गुड आफ्टरनून, आदेश पाठक गुड आफ्टरनून। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आई होप कि आप सब लोग को ये चीज़ बेटर पता होगी कि भाई अगर एडिक्वेट डायलिसिस अगर हम पेशेंट को नहीं देंगे तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अभी मैंने भी कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं आपके साथ। सो बेटर कि आप लोग एडिक्वेट डायलिसिस पे ज़्यादा फोकस करें। तो संजय आप कुछ कहना चाहेंगे? या वो दोस्तों मेरा मानना है कि आमतौर पर आजकल जो भी टेक्नीशियंस हैं या डायलिसिस सेंटर्स हैं, एक बड़ी छोटी सी मतलब उनके लिए बड़ी आम हो गया है कि हम टाइम कम कर देते हैं, अगर एक्सेस से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है तो कम करके चला देते हैं, या हम ठीक से डायलिसिस फ्लो को एडजस्ट नहीं करते हैं। तो आजकल के टाइम पे बड़ा आम हो गया टेक्नीशियंस के लिए डायलिसिस सेंटर्स पे। बट अगर हम इसे कंपेयर करके ऐसे देखें कि आपकी जो सेंटर है वहाँ पे कितने पेशेंट्स हैं और उनका सर्वाइवल रेट क्या है, तो आप ये जानोगे कि अगर आपके सेंटर पर सर्वाइवल रेट कम है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आप जो डायलिसिस मरीज को दे रहे हो वो एडिक्वेट है कि नहीं है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप इनएडिक्वेट डायलिसिस करते हो पेशेंट की तो आपको इंस्टेंटली पता नहीं लगेगा, बड़ी छोटी सी चीज़ आपके लिए होगी कि चलो आज लाइट चली गई थी या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया या जल्दी जाना था स्टाफ को, तो उन्होंने पेशेंट की डायलिसिस 2 घंटे करके उसको फ्री कर दिया, या फिर एक्सेस सही से नहीं बन पाया तो स्पीड कम करके रख दी डायलिसिस की, या डायलिसिस क्लॉट भी था आपका डायलिसिस क्लॉट था फिर भी क्लॉटेड डायलाइजर से ही डायलिसिस को कम फ्लो पर चलने दिया। तो आजकल टेक्नीशियंस के लिए या फिर फ्रेंड में बड़ी आम बात है, लेकिन जो इसका अफेक्ट है जो प्रभाव इसका है वो कहीं ना कहीं मरीज के लाइफ सर्वाइवल पे देखने को मिलता है कि फिर वो पेशेंट एक डायलिसिस पे कितनी लाइफ जिएगा। सो अगर आपके सेंटर्स पे आपको पेशेंट का सर्वाइवल रेट बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपके सेंटर पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो एक अच्छी और मैक्सिमम लाइफ जी के जाएँ या उनका लाइफ स्टाइल हेल्दी रहे, तो ये इंश्योर करना एकदम ज़रूरी है कि आप जो डायलिसिस दे रहे हो वो आप एडिक्वेट डायलिसिस मरीज को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अब जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग्स हुई हैं, हमने बात की है कि हम एडिक्वेसी को मेजर कैसे करें या हमें कैसे पता पड़ेगा कि एडिक्वेट डायलिसिस हुई है मरीज की कि नहीं हुई है, तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक है आपका KTYV और एक है आपका URR। URR का मतलब है यूरिया रिडक्शन रेशियो, कि आप पर्टिकुलर एक सेशन पर जो डायलिसिस कर रहे हो उसमें से कितना परसेंट यूरिया पेशेंट की बॉडी से रिमूव हुआ है। इसको चेक करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले मरीज का एक ब्लड सैंपल लें, उसमें यूरिया की वैल्यू लैब फिट जांच करवाएं और डायलिसिस 4 घंटे कंप्लीट होने दें, और डायलिसिस कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप मरीज का एक पोस्ट ब्लड सैंपल लें और आप उसमें यूरिया को चेक करें। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का, आप उसमें वैल्यू को पुट करें और देखें कि कितना परसेंट रिडक्शन आपको यूरिया में देखने को मिला है। तो अगर आपका जो रिडक्शन रेशियो है वो 65% या उससे ज़्यादा आया है तो आप मान के चल सकते हो कि इस मरीज की डायलिसिस अच्छी हुई है या इसका पर्पज फुलफिल हुआ है। लेकिन अगर डायलिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि मरीज का URR 50% रह गया, 40% ही आ रहा है, 30% आ रहा है, तो अब हमें जाँच करने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम रह गई हैं या हमने ऐसा क्या ठीक नहीं किया जिसकी वजह से मरीज को डायलिसिस एडिक्वेट नहीं मिल पाई। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लड फ्लो रेट एडिक्वेट ना होना, डायलिसिस फ्लो रेट एडिक्वेट ना होना, आपका डायलेजर आपका सही आपने चूज नहीं किया हो, या डायलेजर सही चूज भी किया है या रीयूज डायलेजर है तो उसका फाइबर बंडल वॉल्यूम कम हो जाना,
या डायलिसिस का टाइम कम हो जाना या बीच में डायलिसिस के बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होना, तो ये सारे कारण निकल के आते हैं जब भी हम चेक करते हैं कि एडिक्वेट डायलिसिस क्यों नहीं हुई है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप लोग URR से चेक कर सकते हो। सेकंड हमारा एक ऑप्शन आता है जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है अपनी टीम, मतलब आप लोगों की बात ही हमने पहले डिस्कस कर रखा है, KTYV। ये बड़ा ही एक कैलकुलेटेड फार्मूला है जो कहीं ना कहीं आपका URR से, URR का ही एक मैथमेटिकल ट्रांजिशन है जिसमें देखने को मिलता है कि हम कुछ वैल्यूज पुट करके, हम डायलिसिस मशीन में ही कुछ वैल्यू पुट करके, जिसके बजाय अगर हम URR पे जाएं तो हमें एक प्री सैंपल और पोस्ट सैंपल चेक करवाना पड़ता है, बट अगर हम KTYV के थ्रू चेक करें तो हम केवल मशीन में कुछ वैल्यू पुट करके पता कर सकते हैं कि मरीज का डायलिसिस सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इस पर कई बार हमें देखने को मिलता है कि अगर मशीन आपके फेंडर पे 10 मशीनें हैं किसी के फेंडर पे और 10 डायलिसिस चल रही हैं, तो लोग KTYV लगाना ही भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं लगाते हैं, या लगाते भी हैं तो वैल्यूज ठीक से नहीं रखते हैं जो आपको एग्जैक्ट रखनी चाहिए, तो वो चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो जब भी आप KTYV लगाते हो मशीन पे, तो आपको डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद ये इंश्योर करना है कि 4 घंटे में उस मरीज का जो KTYV की वैल्यू है वो 1.2 से लेके 1.4 के बीच में अचीव हुई है कि नहीं हुई है। सो अगर एटलीस्ट 1.2 वैल्यू आपकी अचीव हुई है KTYV की डायलिसिस में, तो हमें मान के चलते हैं कि इस मरीज का डायलिसिस आज हमने सही किया है और इसको आज की डायलिसिस से मरीज को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके KTYV की वैल्यू 1.0 आती है, 0.8 आती है, 0.7 आती है, तो कहीं ना कहीं हमने चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की हैं, ठीक है, या तो हमने ब्लड फ्लो ठीक से रखा नहीं है, या डायलिसिस का टाइम कम कर दिया, हमारा डायलिसिस हमने चूज सही नहीं किया था, या चूज किया था तो उसका फाइबर बंडल वॉल्यूम ठीक नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है KTYV अगर आपका कम आ रहा है। सेकंड मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि कई बार स्टाफ को सब चीज़ मालूम होते हुए भी वो लोग नेग्लिगेट कर देते हैं कि चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है, KTYV नहीं लगाते हैं, डायलिसिस तो होना ही है, या मरीज को क्या ही पता पड़ रहा है, या फिर जब रिपोर्टिंग का टाइम है तो खुद मन से 1.2 या 1.4 भर देना है। तो आप ही मान के चलिए, आपको ये खुद से मान के चलना पड़ेगा कि जो KTYV की वैल्यू है या URR परसेंटेज है या जो डायलिसिस एडिक्वेसी है, ये बेसिकली तय करती है कि आपका जो मरीज है वो कितना दिन डायलिसिस पे जिंदा रहेगा, ठीक है। अगर आप एक डायलिसिस पेशेंट को रेगुलरली कम KTYV अचीव हो रहा है, सही डायलिसिस नहीं दे रहे हैं, एडिक्वेट डायलिसिस नहीं दे रहे हैं मरीज को, तो अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक एवरेज टाइम से पहले ही मरीज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये इंश्योर करते हैं कि आप जो डायलिसिस कर रहे हो डेली बेसिस पे वो एडिक्वेट है और आप डेली एटलीस्ट 65% URR आपका अचीव हो रहा है या KTYV आपका 1.2 से लेके 1.4 तक अचीव हो रहा है, तो आपके डायलिसिस सेंटर्स पे जो मरीज हैं एक अच्छा सर्वाइवल रेट आपको देखने को मिलेगा मरीजों का, और कहीं ना कहीं उनके जो डेली का लाइफ स्टाइल है उसमें भी इजाफा होगा। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, व्हीलचेयर पे पेशेंट आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है ना, सांस फूलने वाली बीमारी जो आप हमेशा बोलते हो कि मरीज ऐसी ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम जो डायलिसिस ये दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है हमारे एंड से जो कुछ चीज़ों को हम देख के ठीक कर सकते हैं। सो आज का हमारा बेसिकली मुद्दा है कि KTYV सबसे पहले तो हम सारे मरीजों की इंश्योर करें कि हमारा जो डायलिसिस है वो एडिक्वेट होना चाहिए, और उसे हम चेक करें, अगर पॉसिबल है तो हम URR से ही चेक करें फ्रीक्वेंटली, या फिर डेली बेसिस पे KTYV लगाना मस्ट है। तो आज हमने देखा है कि KTYV है क्या या एडिक्वेसी है क्या और इसकी नीड क्या है। अब ये ओथ बेसिकली लेना पड़ेगा हमें कि हम जो भी डायलिसिस करें, बीइंग अ डायलिसिस टेक्नीशियन, तो मरीज को जब भी मैं डायलिसिस बेड पर लगाऊँ तो मैं उसको एक एडिक्वेट डायलिसिस ही दूंगा। मतलब ये मेरा ओथ है कि अगर मैंने एक डायलिसिस आज लगाई है बेड पे, तो उस मरीज को URR एटलीस्ट 65% अचीव होना ही चाहिए या KTYV 1.2 से 1.4 अचीव होना ही चाहिए। उसके लिए जो भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हैं वो मैं ठीक करूँगा, डायलिसिस फ्लो रेट को एडजस्ट करके रखूँगा, टाइम मैं पूरा 4 घंटे की डायलिसिस मरीज को लगाऊँगा, ठीक है, या फिर अगर ब्लड फ्लो रेट में दिक्कत है तो मैं करेक्ट ब्लड फ्लो रेट मरीज को लगाऊँगा, और मैं मतलब KTYV इंश्योर करके लगाऊँगा जरूर मरीज पर। ऐसा नहीं कि आज मेरे घर 10 पेशेंट थे तो मैंने 5 का लगा दिया KTYV, 5 का छोड़ ही दिया है,
है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको चेक ही नहीं करोगे तो आप कैसे तय कर पाओगे कि आप डायलिसिस सही से कर रहे हो और मरीज को इतना फ़ायदा हो रहा है। सो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली डायलिसिस एडिक्वेसी है। अब इसके अलावा अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, क्वायरीज हैं, कुछ आपको कन्फ्यूजन डाउट हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर टाइप कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वायरी यहाँ से हम बता सकें, आपको उसका आंसर हम यहाँ से दे सकें। ओके, सो संजय ने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा कि हम लोग कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। डायलिसिस एडिक्वेसी के बारे में जो भी चीज़ें अभी तक हमने बताई हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोग नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। और बस इसमें क्या होता है कि उसको मेंटेन करना और इसकी जो कंसिस्टेंसी है कि भाई हमें पेशेंट का जो वेट है वो सही लगाना है, टाइम ड्यूरेशन उसका बिल्कुल सही रखना है, हमारा डायलिसिस बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं भी अगर कोई मशीन में कोई लीकेज है तो उसको टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायलिसिस एक टाइम को अफेक्ट ज़रूर करेगा और डायलिसिस की एडिक्वेसी को ज़रूर अफेक्ट करेगा। सो यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि बहुत बार आपके पेशेंट्स आपको कंप्लेंट करते हैं कि जी हमने आपके यहाँ डायलिसिस कराई है और आपकी डायलिसिस जब यहाँ पर आपने करी है तो उसके बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, घर जाके शाम को मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, डायलिसिस ख़त्म हो गई दोपहर को 12 बजे या 1 बजे ख़त्म हो गई और शाम को 5-6 बजे मैंने जाके टेस्ट कराया तो पता चला कि यूरिया तो वहीं का वहीं है और यूरिया कम नहीं हुआ है या फिर कम हुआ है तो बहुत ही कम हुआ है। लेट सपोज डायलिसिस से पहले 110 था और डायलिसिस के बाद वो 90 रह गया, तो पेशेंट कहता है कि जी आपका 65% तो कुछ जा ही नहीं रहा है, 65% तो आप छोड़िए, आप ये 20-30% भी नहीं जा रहा है, तो आपकी डायलिसिस बिल्कुल ठीक नहीं है और आपका डायलाइजर बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट जब अपना ब्लड सैंपल देता है 5 या 6 बजे शाम को दे रहा है इतने घंटे के गैप में, तो डायलिसिस के कहीं ना कहीं आधे घंटे जैसे ही डायलिसिस ख़त्म होती है उसके आधे घंटे बाद ही डिफ्यूजन प्रोसेस वापस शुरू हो जाता है शरीर के अंदर, जो कि जो भी हमारा इंट्रावास्कुलर स्पेस के बाहर का जो भी हमारा यूरिया है वो सारा कुछ डिफ्यूज होकर वापस आ जाता है ब्लड के अंदर और वो आपके ब्लड के अंदर फिर रिपोर्ट में वो नज़र आएगा। पेशेंट को ऐसा लगता है कि डायलिसिस ठीक नहीं हुआ है, हालांकि डायलिसिस बिल्कुल ठीक हुआ होता है, लेकिन क्या होता है डिफ्यूजन की वजह से यूरिया वापस ब्लड में आ जाता है और जब इतने लंबे टाइम गैप के बाद आप टेस्ट करवाएंगे तो वापस वो आपके ब्लड में नजर आएगा। तो इसके पीछे एक ये साइंस है, आप इसको समझ सकते हैं और अपने पेशेंट को भी समझा सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आज के क्वेश्चन, ओके गाइस कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस कैरी सर प्लीज़, कि फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। नौशाद देखिए, फर्स्ट टाइम जब आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन कि उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, उसको डायलिसिस प्रिस्क्राइब हुई है नहीं हुई है, उसके बाद आप उसका सारा कुछ वाइटल्स वगैरह चेक करते हो, जो भी आपका प्रोटोकॉल्स है वायरल मार्कर आपको करना है, उसका फाइल आपको बनाना है, उसके बाद आप उसकी सारी रिपोर्ट्स आप उससे ले लेंगे, अपने अपने खुद के पास आप वायरल मार्कर उसका टेस्ट करेंगे और जब आप उसकी डायलिसिस शुरू करेंगे तो आपके पास नेफ्रोलॉजिस्ट का लिखा हुआ कुछ कुछ नोट होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो आपके DMO हैं तो उनके सलाह के साथ ही आपको डायलिसिस पेशेंट का शुरू करना है। और आपको डायलिसिस जो शुरू करना है फर्स्ट डायलिसिस, वो हमेशा आप सभी लोग जानते हैं कि वो 2.5 से 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। एक नॉर्मल डायलिसिस की तरह हम उसको नहीं कर सकते हैं, हमें ड्यूरेशन कम रखना होता है। उसको कम इसलिए रखना होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि DDS को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल डायलिसिस करेंगे पहली डायलिसिस नए पेशेंट का तो यहाँ पर DDS होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और DDS क्या है ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्टडी टाइम में जब आप डायलिसिस का कोर्स कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आप लोग DDS होने से बचा सकते हैं। तो जो पहला पेशेंट, पहली डायलिसिस आपके पास आप कर रहे हो फर्स्ट पेशेंट की, जो नया पेशेंट आपके पास आ गया है, तो वहाँ पर ख्याल रखना है कि नॉर्मल डायलिसिस के तरीके से उसको हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव ऑल्सो गॉट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर योगेश कुमार, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड KTYV। सो अब हम बात करते हैं कि KTYV है क्या और हमें कैसे कैलकुलेट करना है, या जो मशीन में आप कुछ वैल्यू भी लगाते हो तो आपको कैसे एक एग्जैक्ट आंसर KTYV का पता लग जा रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला सबसे पहले पॉइंट है K का मतलब है आपका क्लीयरेंस,
क्लीयरेंस एक्चुअली क्या है कि आपका एक स्पेसिफिक डायलिसिस के लिए स्पेसिफिक ब्लड फ्लो रेट और स्पेसिफिक डायलिसिस फ्लो रेट के लिए कांस्टेंट होता है। तो अगर आप कभी भी डायलिसिस के पीछे का जो बॉक्स या रैपर्स देखेंगे वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि इस डायलिसिस का इतने ब्लड फ्लो रेट पे के का वैल्यू इतना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ले लूँ तो अगर आप कोई एक स्टैंडर्ड 1.2 सरफेस एरिया का डायलिसिस वाला डायलिसिस लेते हैं तो उसका आपका 250 ब्लड फ्लो रेट पे और 500 डायलिसिस फ्लो रेट पे आपको के का वैल्यू अराउंड 196 या 205 तक मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आप एज इट इज के की वैल्यू फार्मूला में यहाँ पे पुट कर सकते हैं 196 टू 205 जो भी स्टैंडर्ड डायलिसिस के लिए दी गई है। दूसरा हम लिखते हैं टाइम, टी का मतलब है टाइम। टाइम बेसिकली हम आवर्स में हमेशा बात करते हैं कि 4 घंटे डायलिसिस 2 घंटे डायलिसिस, बट आपको फार्मूला में टाइम हमेशा मिनट्स में अपडेट करना है, यानी कि 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट्स। तो अगर आप मरीज़ को 4 घंटे की डायलिसिस दे रहे हो तो आपको 240 मिनट्स वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको के टी की वैल्यू मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वी, यानी कि वी यहाँ पे इंडिकेट करता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, कि बॉडी में यूरिया कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूरिया एक आइडियल क्लीयरेंस मार्क इसलिए है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है अराउंड 66 डाल्टन्स। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी में जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ हमें यूरिया देखने को मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू एक ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है, तो हम 60% वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया मान के चलते हैं। तो अगर आपका एक 100 kg का पेशेंट है तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया या वी की वैल्यू 60 होगी, 60%। तो अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे कि के की वैल्यू लगा दी 196, वी की वैल्यू लगा दी 240 × 60%, तो आपका जो अचीवमेंट होगा वो आपका के टी वाई भी होगा। तो स्टैंडर्ड आपका ये कैलकुलेशन 1.2 से लेके 1.4 तक आनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन हमारे ये आते हैं कि अगर हमारा के का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर हमारा के कम होगा तो के टी वाई वी की वैल्यू कम होगी। तो के हमारा डिपेंड करता है कि आपका डायलिसिस कैसा है, आप पेशेंट का ब्लड फ्लो रेट कितना रख रहे हो और डायलिसिस फ्लो रेट कितना रख रहे हो। अगर आप एक डायलिसिस में ब्लड फ्लो रेट कम रखते हो, ठीक है, एक पेशेंट है आप जिसको एक 100 या 120 ml पर मिनट की स्पीड पर डायलिसिस कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसका के का वैल्यू कम रख रहे हो। उस डायलेजर का 250 ml पर मिनट ब्लड फ्लो रेट पे क्लीयरेंस की वैल्यू 196 है, बट अगर आप 250 ml पर मिनट से कम करके 120 ला दोगे तो उसकी के की वैल्यू एज इट इज ऑलरेडी कम हो जाएगी। फिर आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा के टी वाई वी का वो 1.0 से कम मिलेगा। तो हमें के की वैल्यू करेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे रख सकते हैं, ब्लड फ्लो स्पीड को कांस्टेंट या बढ़ा के रखें। अगर हम ब्लड फ्लो रेट बढ़ा देंगे तो हमारी के की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएगी, और जब के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो के टी वाई भी हमें ज़्यादा अचीव होगा। सेकंड हमारा आता है डायलिसिस फ्लो रेट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, कि एक स्पेसिफिक डायलिसिस फ्लो रेट पे के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कि अगर आपका डायलिसिस 1.2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया वाला है तो 500 डायलिसिस फ्लो रेट पे के की वैल्यू आपको 196 मिलेगी। तो अगर आप इसको कम करके 300 ला दोगे तो आपकी के की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी, यानी उस डायलिसिस के लिए 300 ml पर मिनट डायलिसिस फ्लो रेट पे क्लीयरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपकी क्लीयरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको के टी वाई भी आपको कम अचीव होगा। ओके, तो आपको अगर के टी वाई भी अचीव करना है तो के की वैल्यू और टी की वैल्यू करेक्ट रखना जरूरी है। के की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं, डायलिसिस फ्लो रेट को बढ़ा के या फिर ब्लड फ्लो रेट को बढ़ा के। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा नॉर्मल डायलिसिस है 1.2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का, जिसकी क्लीयरेंस वैल्यू आपकी 250 ब्लड फ्लो स्पीड और 500 ब्लड फ्लो स्पीड पर 196 है। तो अगर हम डायलिसिस ले लेंगे 1.8 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया वाला, तो सेम 250 ब्लड फ्लो स्पीड पे और 500 डायलिसिस स्पीड पे आपको के की वैल्यू 196 की जगह 250 तक अचीव हो जाएगी। तो तीन बेसिकली पॉइंट्स हैं जिससे हम के की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, एक तो ब्लड फ्लो स्पीड को बढ़ा के, दूसरा डायलिसिस फ्लो स्पीड को बढ़ा के,
या फिर एक हायर सरफेस एरिया वाला डायलिसिस यूज करके। तो जो भी आप पेशेंट स्पेसिफिक नीड है आपको फिर उस तरीके से के वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे ही राहुल का भी एक क्वेश्चन था यहाँ पर। राहुल बोल रहे थे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायलिसिट इन डायलिसिस एडिक्वेसी। तो यहाँ पर जैसे संजय ने बताया अभी, वो आपको भी आंसर मिल गया होगा कि डायलिसिट का रोल क्या है। अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्लियरेंस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलिसिस एडिक्वेट हो सकती है। मोर देन 60-65% आप अचीव कर सकते हैं डायलिसिस एडिक्वेसी। तो बेसिकली जो के है आपके फॉर्मूला में, जो के रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लीयरेंस की वैल्यू, जो कांस्टेंट रहती है एक स्पेसिफिक डायलिसिस फ्लो रेट पे और स्पेसिफिक ब्लड फ्लो रेट पे। तो अगर आप ब्लड फ्लो रेट या डायलिसिस फ्लो रेट को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी के की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। आप दोनों फ्लो रेट्स कम कर देंगे तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों फ्लो रेट्स बढ़ा देंगे तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे डिपेंड करता है आपका ब्लड फ्लो रेट और डायलिसिस फ्लो रेट पे क्लीयरेंस या के डिवाइडिंग। अब देखते हैं टाइम, ये एक्चुअली टाइम का डायलिसिस पे या फिर एडिक्वेसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो हम देखते हैं कि आपके के डी आई वी के फॉर्मूला में जो टाइम है वो के डी आई वी के इजिक्वल है, मतलब बराबर है। अगर आप टी को बढ़ाएंगे यानी टाइम को बढ़ाएंगे तो के डी आई वी भी बढ़ेगा, ज़्यादा अचीव होगा। सो अब अगर हम बात करते हैं कि आपने मरीज की डायलिसिस 3 घंटे की, तो 3 घंटे करने के लिए आपको 180 से इंटू करना पड़ेगा, और 4 घंटे कर दें तो 240 से 80 करना इंटू करना पड़ेगा। तो आप जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, टी का मतलब टाइम, आप जैसे जैसे डायलिसिस बढ़ाते जाएंगे आपका के डी आई वी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए आपको के डी आई वी अचीव करने के लिए एक स्टैंडर्ड 4 घंटे की डायलिसिस करना ज़रूरी है। अगर टाइम कम करोगे तो के डी आई वी अचीव नहीं होगा, और जब के डी आई वी अचीव नहीं होगा मतलब वो डायलिसिस आपकी इनएडुकेट है, जिससे पेशेंट को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है, और फिर जाके उसकी वो सर्वाइवल रेट पे फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, यानी वी। ये अपोजिट है आपके के डी आई वी के इक्विवेलेंट से, यानी अगर वी की वैल्यू हम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया की वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो हमारा के डी आई वी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं वेट से, कि पेशेंट का वजन कितना है, उसका 60% ही हमारा वी यानी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया है। तो अगर आपका पेशेंट 100 kg का है तो उसका 60 ही रहेगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया। अगर आपका पेशेंट 70 kg का है तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको 42 kg आपको मिलेगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया। तो वी की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप पेशेंट का वजन कम या ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो। देन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आपका 100 kg का पेशेंट है तो आपको 1.8 सरफेस एरिया वाला डायलिसिस यूज करना पड़ेगा। तो फिर आपको, अगर आप कम सरफेस एरिया वाला डायलिसिस यूज करेंगे एक हैवी पेशेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके एडिक्वेसी यानी के टी वाई वी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब के टी वाई वी की वैल्यू कम हो जाएगी दैट मीन इट इज़ अ इनएडिक्वेट डायलिसिस, जिससे उस मरीज को खास फायदा नहीं हुआ है। आई होप कि के डी आई वी कैलकुलेशन क्लियर है। मिस्टर योगेश और राहुल का एक क्वेश्चन था, नाउ एनी अदर क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और आया है राहुल अहिरवार। डायरेक्शन ऑफ डायलिसिस फ्लो कैन अफेक्ट, या डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ डायलिसिस एंड ब्लड कैन अफेक्ट द डायलिसिस ड्यूरेशन, सॉरी डायलिसिस एडिक्वेसी। बेसिकली इसमें अफेक्ट कैसे करेगा, वी ऑल नो कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो होता ही कैसे, वो संभव ही कैसे होगा, जैसे कि एक साइड से ब्लड चल रहा है और एक साइड से डायलिसिस चल रहा है। अभी मैं जरा कैमरे की स्क्रीन को घुमाऊंगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, तो वहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे, अगर लेकिन यहाँ पर मार्कर शायद। ओके, अभी मैं आपको अभी वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा संभव कोई प्रॉब्लम है। तो क्या है कि अगर ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है, जैसे नॉर्मली आप लोग डायलिसिस में रखते हैं, और डायलिसिस नीचे से ऊपर की तरफ है, काउंटर करंट है, कहने का मतलब जैसे आप लोग रखते हैं, अगर आप उसको को करंट कर देंगे, डायलिसिस भी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, डिफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन लगभग नागे बराबर होगा इससे, क्योंकि काउंटर करंट डायरेक्शन में हमेशा डिफ्यूजन होता है, जिससे कि क्या होगा, जो एक आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर काम करता है, जो भी आपके डायलिसिस के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपके ब्लड के अंदर क्या है, वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, इम्प्योरिटीज़ भी ज़्यादा हैं,
तो वहाँ पर सोडियम भी ज़्यादा मिलेगा या हो सकता है पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा, और जो आपका ए पार्ट आपने लगाया है वहाँ पर बी पार्ट आपने लगाया है उसकी जो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं पोटेशियम सोडियम उसमें ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ से ब्लड से जितनी भी ज़्यादा चीज़ें वो बाहर की तरफ निकलेंगी डायलिसिस के साथ साथ वो ड्रेन आउट होती चली जाएंगी, और ये डिफ्यूजन तब तक चलता है जब तक कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम ना हो जाए, लेकिन डायलिसिस में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो पाता है, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता ही रहता है। लेकिन डिफ्यूजन का एक चीज़ है कि डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है, जैसे ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिफ्यूजन होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो हमेशा काउंटर करंट फ्लो ही रखना चाहिए बेटर डायलिसिस के लिए, अगर आप को करंट रखते हैं तो इसमें कभी भी डायलिसिस प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। हाँ, कभी कभी इन सम केसेस डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप जो है को करंट रखो, आप जो है इसका क्लियरेंस नहीं करना है, उसमें रीजंस हो सकते हैं DDS हो सकते हैं, चाहते हैं डॉक्टर कि भाई वो अवॉइड करना चाहते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को DDS ना हो, तो ये कारण भी हो सकता है वो चाहते हैं कि भाई आप जो है को करंट रखें। अगर किसी पेशेंट का ड्राई वेट 35 kg है उसका कितना क्लियर होगा KDYB? देखिए मुजाहिद खान, इसमें बेसिकली प्रेडिक्शन कुछ नहीं आप कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, पेशेंट का जो बॉडी वेट है 35 kg है उसमें उसका यूरिया कितना है, हमें देखिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी पेशेंट का बॉडी वेट कम है और किसी पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उनकी क्लियरेंस में क्लियरेंस की परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा, परसेंटेज में कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका 65 उसके लिए सिक्स मान लीजिए उसका यूरिया उसके अंदर अभी 90 है, राइट, आपने उसका यूरिया निकाल दिया 60%, तो उसकी तो 60% उतना ही रहेगा। ऐसे ही अगर कोई 100 kg का पेशेंट है उसका 60% उसके लिए रहेगा कि उसके अंदर उसकी बॉडी में कितना यूरिया है और आपने कितना निकाला है, डिपेंडिंग ऑन यूरिया कितना आपने निकाला, बॉडी वेट से उसमें आप परसेंटेज नहीं आप जज कर सकते भाई इसका इतना परसेंट ही निकलेगा यूरिया या इसका इतना नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक 100 ml की बोतल है और एक 1 liter की बोतल है तो 1 liter की बोतल का 60% डिफरेंट होगा और जो छोटी बोतल है एक 100 ml वाली उसका 60% भी होगा लेकिन वो कुछ वैल्यू अलग होगी। बस ये है कि उसको कितना हमने खाली कर दिया और बड़ी बोतल को हमने कितना खाली किया वो दोनों डिफरेंट रहेंगे। हाय सर, आई हैव अ क्वेश्चन, इफ़ यू डू पोटेशियम फ्री डायलिसिस देन व्हाट इफेक्ट विल ऑन डायलिसिस एडिक्वेसी? देखिए इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि डायलिसिस एडिक्वेसी पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ खाली पोटेशियम को लेकर, क्योंकि डायलिसिस एडिक्वेसी में कभी भी हम लोग पोटेशियम को जज नहीं करते हैं और इसमें हमेशा हम जो है यूरिया को ही एक आइडियल मार्कर लेकर चलते हैं, एक जैसे सरोगेट मार्कर हम लेकर चलते हैं, क्योंकि यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है काफ़ी कम है 60 dalton, तो इसमें हम लोग इसी को मानकर चलते हैं कि मशीन भी इसी तरीके से जज करती है कि जितना ज़्यादा पानी निकला उतना यूरिया निकल गया, तो पोटेशियम को कभी भी माना नहीं गया है। हाँ, हालांकि इनको नेगलेक्ट किया गया है जबकि नहीं करना चाहिए, पोटेशियम जो है एक सेंसिटिव मैटर यहाँ पर आ जाता है कि भाई पोटेशियम को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पोटेशियम कम निकल रहा है शरीर से तो ऐसे केस में क्या होगा कि पेशेंट का जो कार्डिक रिदम है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, और अगर पोटेशियम बढ़ गया है तो भी कार्डिक प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकती है। और अभी जो हमारा व्हाइट बोर्ड है विद मार्कर हम आपको उस पर सारा कुछ बताएंगे, अभी सारी चीज़ें दिखाएंगे तो उसमें आपको बेटर थोड़ा सा और समझ में आएगा। सर, जो न्यू पेशेंट डायलिसिस के लिए आता है हम उसको कितने टाइम डायलिसिस दे सकते हैं? देखिए ड्यूरेशन आप उसकी नॉर्मल 4 घंटे नहीं रख सकते, 3 से 4 घंटे जो हम रखते हैं वो नहीं रख सकते, बाकी जो नॉर्मल एक जो ड्यूरेशन 2 से 3 घंटा करीब हम रखते हैं, बाकी आपके जो हॉस्पिटल में अगर DMO है या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो अगर एडवाइस करते हैं बेटर है, उनकी जो एडवाइस पर आपको चलना चाहिए। इसके बाद नए पेशेंट का कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए डायलिसिस? जैसे यूज़ की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डायलिसर यूज़ की संख्या बढ़ती जाती है डायलिसिस प्राप्त करें, इसमें कैरी देहाती आपका जो भी नाम है वो उसको अभी पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पर शेख सादी भी हैं हमारे साथ, तो अभी वो आपको बताएंगे जो भी आपका क्वेश्चन है उसके बारे में वो आपको बताएंगे। क्वेश्चन जो है इसी से चलिए ठीक है। सो हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल।
जो क्वेश्चन है वो था, एक बार बोर्ड की तरफ जाएंगे देखेंगे कि एडिक्वेसी कैसे अचीव करें रीयूज डायलाइजर्स में भी। तो सही बात है कि रीयूज डायलाइजर हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं फाइबर बंडल वॉल्यूम कम हो जाता है, तो थोड़ा सा टेक्निकलिटीज जान लेते हैं कि एडिक्वेसी ऑफ हीमोडायलिसिस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और हम टेक्निकली क्या कर सकते हैं जिससे कि रीयूज डायलाइजर के वक्त में भी जो है हम अच्छी डायलिसिस, अच्छा के टी बाई वी, एडिक्वेट डायलिसिस प्राप्त कर सकते हैं। तो तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एडिक्वेसी जो है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पर करती है। जैसे कि हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी बताया है कि एडिक्वेसी या क्लियरेंस का डिपेंडेंस है के टी और वी के ऊपर। अब ये के क्या होता है, के क्या होता है, डायलाइजर क्लियरेंस, डायलाइजर क्लियरेंस ऑफ यूरिया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। के समझ लीजिए क्या होता है, डायलाइजर क्लियरेंस ऑफ यूरिया। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी डायलाइजर का के 200 ml पर मिनट है, सबको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डायलाइजर अभी ठीक है, वो डायलाइजर एक मिनट में 200 ml ब्लड में से यूरिया को क्लियर करता है। तो वो डायलाइजर एक मिनट के अंदर, इन वन मिनट, वो 200 ml ब्लड में से यूरिया को क्लियर करता है, ठीक है। के की डिपेंडेंसी होती है ब्लड फ्लो पे। जब आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर डायलाइजर को, फॉर एग्जांपल F6 ले लेते हैं, ठीक है, तो F6 के की वैल्यू एट डिफरेंट QB सब लोग समझते हैं, QB क्या होता है, कमेंट में आंसर कीजिए QB क्या होता है। तो QB एट डिफरेंट QBs पर के की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी डायलाइजर का QB 200 है, सॉरी किसी पेशेंट का आप QB 200 रख रहे हो, तो उसकी के की वैल्यू जो है हो सकती है फॉर एग्जांपल 180, ठीक है, 180 ml पर मिनट। यानी इसका मतलब यह है कि एट ब्लड फ्लो, QB मींस ब्लड फ्लो, 200 ब्लड फ्लो पे के की वैल्यू 180 है। और यही अगर हम ब्लड फ्लो बढ़ा दें, तो ऐसा प्रैक्टिकली लैब में उन्होंने जांच करके देखा है डायलाइजर वालों ने, फ्रेजनियस वालों ने और अलग अलग कंपनी वालों ने, कि के की वैल्यू अगर हम ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 300 ब्लड फ्लो पे जो के की वैल्यू आई वो कितनी आई है, वो 220 आई है, ठीक है, और 200 पे कितनी थी, 180। अब क्या पहले डायलाइजर क्या कर रहा था, एक मिनट में 180 ml ब्लड में से यूरिया क्लियर कर रहा था, अब क्या कर रहा है, एक मिनट में 220 ml ब्लड में से अब क्लियरेंस जो है बढ़ गई। तो एक फैक्टर हुआ कि हम रीयूज डायलाइजर में के की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टाइम हमारा फिक्स होता है मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए, टाइम हमारा फिक्स होता है, टाइम को हम छेड़ नहीं सकते, 4 घंटे इतनी ही रखनी है डायलिसिस अंटिल एंड अनलेस कोई आपको ऑर्डर दिया गया हो। VD ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अमेजिंग टर्म है VD, तो मैं इसको भी आपको समझाना चाहता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है ये, और ध्यान देंगे तो समझ में आ भी जाएगा। VD समझना ज़रूरी है। ये क्या, ये वी नहीं है खाली, ये है VD, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है जी। इसका मतलब है, पहले तो आप सिंपली ये समझ लो, ये 60% होता है टोटल बॉडी वेट के, ठीक है, टोटल बॉडी वेट का 60% होता है VD। अगर हमें किसी का VD निकालना है, किसी मरीज का, मार्कर ये वाला सही चल रहा है, ठीक जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अगर हमें किसी मरीज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, फॉर एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। किसी मरीज का वज़न 70 किलोग्राम है, ठीक है जी, तो इसका VD कितना आएगा, इसका VD अप्रॉक्सीमेटली लगभग 70 का 60% कितना हुआ, 42, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 42 लीटर इसका वॉल्यूम कितना आया, 42 लीटर इस मरीज का, इसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे, 42,000 ml। अब ये हमने निकाला क्या है, आखिर ये है क्या भला,
वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आखिर भला क्या है, क्या चीज़ है, ये समझ क्यों नहीं आ रही हमें इतने टाइम से, और ये नीचे रखी हुई है और इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये दोनों ऊपर रखे हैं, के और टी, वी हमने नीचे रखा हुआ है, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है हमारी क्लियरेंस पे, ये भी जानेंगे कि मैथमेटिक्स से कैसे हम क्लियरेंस को बढ़ा सकते हैं, ये देखेंगे। तो जो वी डी है हमारा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, वो ये बताता है कि भाई जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में पानी है वहाँ वहाँ यूरिया है, बहुत सी बात है, ठीक है, जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ यूरिया, तो यूरिया कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ पानी है, और पानी कितना है, पानी अप्रॉक्सीमेटली हमारी टोटल बॉडी वाटर का 60% है, 60% हमारा पानी है। सेरिब्रल वॉल्यूम को इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, जो हमारा ब्रेन का होता है, बाकी टोटल बॉडी वेट के अप्रॉक्सीमेटली 60% हमारा पानी आया। तो इस तरीके से अब ये समझेंगे कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम बोलेंगे कि जितना ये कम होगा, जितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया कम होगा, जितना हम बोलते हैं ना मरीजों के कि भाई पानी कम पी के आना है, पानी कम पी के आना है, क्यों कम पी के आना है, भाई जितना पानी वो पी लेगा उतना ही उसका जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया है जो वो बढ़ जाएगा, अगर वो बढ़ेगा तो क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ये हमने ऊपर रखा हुआ है, ये मैं समझा रहा था आपको कि के और टी ऊपर क्यों रखा है, वी क्यों नीचे रखा है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जितने भी बंदे हमने ऊपर रख रखे हैं, जैसे के, जैसे टी, तो इनके बढ़ने से, इनके बढ़ाने से, जैसे आप लोग से मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ ना कई बारी कि आपसे पूछा भी जाता है कि आप क्लियरेंस कैसे बढ़ाओगे, तो आप बताते हो कि उसका ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे, उसका टाइम बढ़ा देंगे। तो टाइम बढ़ाने से कैसे बढ़ रहे, यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस के, जो ऊपर रखी हुई चीज़ें हैं ना के और टी, जैसे इनको बढ़ाओगे तो अपने आप क्लियरेंस बढ़ जाएगी। और केक बढ़ाने का क्या तरीका है कि ब्लड फ्लो बढ़ा दो, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, के की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ से अब समझ में आ रहा है हम ब्लड फ्लो क्यों बढ़ाते थे, हम इसलिए बढ़ाते थे ताकि के की वैल्यू बढ़ जाए, के की वैल्यू बढ़ गई तो के टी बाई वी पूरा इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने भी बंदे ऊपर हैं के और टी, इनको बढ़ा दो तो क्लियरेंस बढ़ेगी, और वी, वी डी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, कम पानी पिलाना है पेशेंट को, तो बोलो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे किसी का 42 लीटर आ रहा है, उसका के टी बाई वी फॉर एग्जाम्पल 1.2 आया, किसी का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 36 लीटर आया तो इसका के टी बाई वी बढ़ जाएगा, 1.3 आएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, के ज़्यादा होना चाहिए, टी ज़्यादा होना चाहिए। अब आता है दूसरा इम्पैक्ट, ये तो हो गया हमारा डायलेजर की टेक्निकलिटीज़। अब आता है, एक हमने पढ़ा था कैन्यूलेशन टेक्निक्स में रूल ऑफ सिक्स, तो ये सब आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा हमें 90 डिग्री, सही जा रहा है। तो ये जो है हमने रूल ऑफ सिक्स पढ़ा था, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियरेंस को बढ़ाती हैं। वैसे भी लाइव पर ये चल रहा है, ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पे, तो आप जब भी चाहे इसको वापस देख सकते हैं अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है। अब देखो जी, मैं ना फिल्ला का एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे मैं आपको समझाऊंगा फिल्ला कैसे हमारी क्लियरेंस में हेल्पफुल हो सकता है, क्लियरेंस बढ़ाने में। कमेंट बॉक्स में बताइए, संजय कुछ आंसर आ रहे हैं, है ना? हाँ चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये वाला एक चैप्टर क्लोज कर लें क्लियरेंस वाला। तो अपने कमेंट में आंसर बताइए कि कैसे फिस्टुला से हमारी क्लियरेंस इम्पैक्ट होती है, या हमारी सुई लगाने की जो टेक्निक्स हैं अगर हम उनमें थोड़ा ध्यान दें तो कैसे क्लियरेंस बढ़ाई जा सकती है, या हमारी किन गलतियों की वजह से हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ऐसे कैसे गलत सुई लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी क्लियरेंस डिक्रीज हो रही है, ये हमें जानना है। ये मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुई आप अपने हाथ में रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। देखो जी, ये आपका हाथ है, मतलब मरीज़ का हाथ है, ठीक है। पहली बात तो ये सबको पता होना चाहिए कि हम दोनों जो सुई लगाते हैं वो वेन में ही लगाते हैं, सबको क्लियर है ये चीज़, या किसी को डाउट है, किसी को ऐसा लगता है कि जो आर्टीरियल नीडल है वो आर्टरी में लगाते हैं और जो वेन वाली नीडल है वो वेन में लगाते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है, दोनों सुई जो है, क्यों दीपक, हम सही बोल रहे हैं ना, है ना? तो इस पर और कुछ कहना चाहोगे? लेकिन जो नीडल हम लगाते हैं जिससे हम ब्लड लेते हैं, ब्लड का फ्लो लेते हैं, वो तो आर्टरी होती है, सब लोग आर्टरी बोलते हैं, तो आप उसको वेन क्यों कह रहे हैं?
मैं वही डाउट आप लोगों का क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उसको हम वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम जो सुई लगा रहे हैं वो हम अनास्मोसिस किया हुआ है, हमने बड़े पाइप को एक छोटे पाइप से जोड़ा है, हमने किया एक जुगाड़। क्या होता था, 1970 की कहानी है ये एक, तो एक मरीज के साथ हमने फिस्टुला, उसके जब तक फिस्टुला का ना वो नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई थी, इंटरवेंशन नहीं आया था ऐसा करके कि यार हमें फिस्टुला की ज़रूरत पड़ेगी डायलिसिस करने के लिए, तो 1970 की कहानी है, लंदन की कहानी है, लंदन के एक गांव की, वहां पर डायलिसिस हो रही थी, 3 मशीन का यूनिट था, तो एक मरीज़ लेटा हुआ था, उस मरीज के आर्टरी में उसने सुई लगा दी भाई ब्लड फ्लो लेने के लिए, और रिटर्न करने के लिए उसने लगा दी वेन में। अब हुआ क्या कि एकदम से सारे उसके अटेंडेंट पीटने आ गए डॉक्टर को, वहाँ लंदन के गांव की कहानी है, 1970 में वहाँ ऐसा होता था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई इतनी भयंकर ब्लीडिंग हो गई, इतनी भयंकर ब्लीडिंग हो गई और इतना बड़ा उसका हाथ सूज गया कि वो पेशेंट जो है आउट ऑफ ब्लड लॉस वो एक्सपायर कर गया। तो जब इस तरीके की चीज़ें रिपोर्ट हुई कि भाई हमारे सुल्तानपुर में भी कभी ऐसा हो रहा था और नाइजीरिया के किसी गांव में भी ऐसा हुआ, तो मल्टीपल जगहों से ये सुनने को मिला कि आर्टरी में है ना भाई सुई लगाने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको हमें है ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई डॉक्टरों ने बहुत दिमाग लगाया कि करें क्या, तो उनको समझ में आया यार एक जुगाड़ करते हैं, और उस जुगाड़ का नाम था, क्या नाम था दीपक उस जुगाड़ का, जो फिर क्या करा हमने कि यार हम है ना एक काम करेंगे कि मोटे वाले पाइप को पतले वाले पाइप से जोड़ देंगे। अच्छा जी, पर सुई तो मोटे वाले पाइप में ही लगाओगे ना, आपको तो ब्लड फ्लो तो ज़्यादा ही चाहिए ना भाई, तो जोड़ के फ़ायदा क्या है। अरे नहीं नहीं यार, एक काम करेंगे, मोटे वाले पाइप को पतले वाले से इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि उसका फ्लो जो है पतले वाले पाइप यानी वेन में आ जाए, और हम उससे फ्लो लेके और पतले वाले पाइप में लगा दें। पतले वाले पाइप में क्यों लगा दें, क्योंकि भाई पतला वाला जो पाइप है, जो हमारी वेन है, वो सुपरफिशियल सिचुएटेड होती है, डीप नहीं होती, और उसमें ब्लीडिंग रिस्क कम होते हैं ना, हम देखते हैं हिमाटोमा हो जाता है मरीजों को, आज भी होता है लेकिन कम होता है। अगर हम आर्टरियल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें कैनुलेशन का ध्यान रखना होता है और ब्लीडिंग रिस्क बहुत थे। तो हमने ये जुगाड़ किया, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला बनाया। मेरा एक सवाल है, हाँ जी, मेरा एक ये सवाल है कि जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया, फिर हमने उसको फिस्टुला बना दिया, तो डॉक्टर अगर आर्टरी को कट करके वेन से जोड़ रहे हैं तो फिर ये सही है या गलत है? क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन मुझसे कहते हैं कि सर आर्टरी को कट करके वेन से जोड़ते हैं। अच्छा। तो क्या ये सही है या गलत है, इस पर आप बताइए। जैसे कि ये मिथ है, हम दोनों सुइयाँ आर्टरी में और वेन में लगाते हैं, इसमें हम लोग एक्चुअली आर्टरी को 3 टाइप के हमारे अनास्मोसिस होते हैं, जो हमारा जोड़ने का, शायद आप यही जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, है ना, अनास्मोसिस के हमारे 3 टाइप होते हैं, एंड टू एंड। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा पकड़ेंगे आप भाई। तो जैसे हमारी आर्टरी है मोटी वाली पाइप है, समझ जाना सब लोग, ये वेन है पतली वाली पाइप है, ठीक है। तो इसको, इसमें जो जोड़ने के तरीके होते हैं वो 3 होते हैं। एक जो होता है एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है, आर्टरी को हमने इंसिजन दिया, इंसिजन देने के बाद उसका एक एंड हमने जोड़ दिया वेन के साथ और दूसरे एंड को हमने टाई कर दिया। एक होता है साइड टू साइड कनेक्शन, उसमें क्या करते हैं कि आर्टरी के साइड में एक इंसिजन लगाया, वेन के साइड में एक इंसिजन लगाया और उसमें हमने सिलाई कर दी, ठीक है। और एक होता है एंड टू साइड अनास्मोसिस, कि एक एंड लिया और उसको वेन के साइड से जोड़ दिया। तो ये 3 तरीके के हमारे अनास्मोसिस होते हैं आर्टरी को इंसिजन लगाने के बाद। आप चाहें तो एक मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, एक एटलस है वैस्कुलर एक्सेस की, आप इंटरनेट पे जाइए, डॉक्टर तुषार वच्छर जानी वैस्कुलर सर्जन है, US के, इंडियन ओरिजिन के ही हैं, US में जाके उन्होंने बहुत काम किया है फिस्टुलास के ऊपर। तो उसमें आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन फिस्टुलास के, मैं दोबारा नाम बता देता हूँ, कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि किताब का नाम है एटलस ऑफ वैस्कुलर एक्सेस, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ ज़रूर जाइएगा, आपको आपका दिमाग खुल जाएगा वो देख के। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने ये वाली, एटलस ऑफ वैस्कुलर एक्सेस, ठीक है, बाय डॉक्टर तुषार वच्छर जानी, ठीक है जी। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे,
कि हमें फिस्टुला में सुई लगाने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कमिंग बैक टू दी पार्ट कि हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे थे कि भाई फिस्टुला कैसे हमारी एडिक्वेट डायलिसिस में हेल्प कर सकता है। रूल ऑफ सिक्स में हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ सिक्स में जो हमारी आर्टीरियल नीडल है और जो वेनस नीडल है, उन दोनों नीडल्स के बीच का गैप हमारा कितना होना चाहिए, कमेंट में आंसर कीजिए। उसके बीच में हमारा गैप होना चाहिए सेंटीमीटर्स में होना चाहिए कि मिलीमीटर में होना चाहिए? कुछ लोग मैं पूछता हूँ तो बताते चार उंगलियों का गैप होना चाहिए। चार उंगलियाँ इज़ नॉट द राइट वर्ड। जब हम मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो हमें सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में या जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है SI यूनिट से उसमें बात करनी चाहिए। तो चार उंगलियाँ देखो, जैसे दीपक सर की, आप अपनी चार उंगलियाँ दिखाओ दीपक कैमरा में, ठीक है? इनकी चार उंगलियों का गैप इतना आ रहा है, ठीक है? मेरी चार उंगलियों का नापो, बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है तो मेरी चार उंगलियाँ और इनकी चार उंगलियाँ अलग हो सकती हैं ना। तो ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्केल होता है। तो जो वो स्केल है वो क्या बताता है कि आर्टीरियल और वीनस नीडल के बीच का गैप दीपक कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, मार्क कर लो। ये UPSC का क्वेश्चन है, कभी डायलिसिस का एग्जाम देना पड़े तो उसमें भी आ सकता है। वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा आपको, चार, सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन हमें सही जगह कहाँ मारना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी? 6 सेंटीमीटर डायलिसिस का UPSC क्वेश्चन आने वाला है। तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं अभी, जिनका एग्जाम है लखनऊ वाला, वो ध्यान रख लें कि भाई 6 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए आर्टीरियल और वीनस नीडल। अब क्यों होना चाहिए ये गैप, क्या इंपॉर्टेंस है इस गैप की और क्या बताता है, क्या दर्शाता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है? कोई सीनियर टेक्नीशियन है जो इसमें कमेंट करके आंसर देना चाहेंगे? गुड गुड, मोनिका सिंह का आंसर आया है कि 6 सेंटीमीटर का गैप होता है, वेरी गुड। 5 सेंटीमीटर जितेंद्र बाबू कह रहे हैं, 5 सेंटीमीटर में यार थोड़ा सा रीसर्कुलेशन रेट बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि 6 सेंटीमीटर इज़ द आइडियल थिंग, है ना? अगर पॉसिबल नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो ट्राई टू मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन द आर्टीरियल एंड द वेनस नीडल ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इज़ द कीवर्ड, लिख लो इसको, ठीक है जी? तो 6 सेंटीमीटर होने से फ़ायदा क्या है भाई? हम एक तरफ से खून साफ कर रहे हैं, क्वेश्चन है? हाँ जी, गुड गुड, ये राहुल अहिरवार, वेरी गुड आंसर, एटलस ऑफ वैस्कुलर एक्सेस। अच्छा, ये संजय चौधरी ने लिखा है, इट इज़ 6 सेंटीमीटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुड, अनवार अहमद, 5 to 7 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो 6 सेंटीमीटर इज़ राइट आंसर। तो राहुल अहिरवार इज़ गिविंग गुड आंसर, द रीज़न इज़ रीसर्कुलेशन। अब मुझे कोई बता दे तो मेरा मन खुश हो जाए कि ये रीसर्कुलेशन होती क्या है। कोई मुझे बता दे कमेंट में, वॉट इज़ रीसर्कुलेशन? जूनियर टेक्नीशियंस अच्छा आंसर कर रहे हैं भाई, जूनियर टेक्नीशियंस आर गिविंग गुड आंसर्स। सीनियर टेक्नीशियंस बताएं रीसर्कुलेशन क्या होता है, क्या 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 होता क्या है, आखिर दो शब्दों में कोई बताना चाहे तो ठीक है। रीसर्कुलेशन क्या होता है? रीसर्कुलेशन इज दीपक, रीसर्कुलेशन मीन्स होता है कि यूरिया की क्लियरेंस जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना होना। जो ब्लड हमने आर्टरी साइड से लिया है वही वापस वेन की साइड से, आपका जो हमने आर्टरी साइड से ब्लड लिया डायलिसिस के लिए और वो जब वापस गया है वेन की तरफ से, लेकिन वही ब्लड वापस से आर्टरी वापस उसको खींच लेती है जब उसको ब्लड पंप क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा है, तो क्या होता है कि आर्टरी वही ब्लड को वापस खींच लेती है जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरा ब्लड है जो जहाँ पर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, वो डायलिसिस के लिए आ ही नहीं पा रहा है, वो फिल्टर की तरफ जा ही नहीं पा रहा है। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रीसर्कुलेशन। यूरिया उतना रिड्यूस ना होना जितना हम चाहते हैं एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा सादी, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम अगर नीडल पास अगर लगा देंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो है वेसल उतनी नहीं होती है, सेगमेंट उतना नहीं होता है तो हमें मजबूरन लगानी पड़ती है, या फिर बहुत बार सवाल ये होता है कि जो पेशेंट कहते हैं कि जी मुझे तो यहीं कंफर्टेबल है, मुझे यहीं आप लगा दो, कहीं और मत लगाओ, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो रूल ऑफ सिक्स फॉलो करना है, ये हम लोग जानते हैं। पेशेंट को हम पेशेंट अगर चाह रहा है तो हमें पेशेंट के कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, जाहिर सी बात है, ठीक है जी? पेशेंट को हम अगर हमें पता है कि सही तरीका क्या है तो हम उस तरीके को पेशेंट को एक बार समझा सकते हैं कि
कंटिन्यूसली एक ही पॉइंट पर लगाने से आपकी फिस्टुला पेटेंसी जो है डिस्टर्ब हो सकती है, फिस्टुला लॉन्गर टाइम के लिए नहीं चल सकता, ये तो हमने रटा, पर क्यों नहीं चल सकता, क्या होगा अगर हम लगातार एक ही जगह पर सुई लगाते जाएं। जैसे देखा है आपने एक गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे का कलर जब वो फुलाया हुआ नहीं होता तो कैसा होता है, लाल होता है, रेड कलर का गुब्बारा है रेड रहेगा, और उसकी जो जो चादर है जिस जो रबड़ है वो भी इंटीग्रेट रहती है, मतलब आपस में चिपकी हुई रहती है, डेंस होती है, टाइट रहती है ना, डॉक्टर यासिर हैज़ गिवन मी अ वर्ड, थैंक यू, टाइट रहती है, ठीक है। तो जो वो उसकी स्किन है, गुब्बारे की जो स्किन है वो टाइट रहती है, और जैसे ही हमने उसको फुलाया, जैसे ही हमने उसको फुलाया तो उसकी स्किन जो है गुब्बारे की जो स्किन है वो कैसी हो गई, पतली हो गई, ठीक है। आप देखोगे उसका कलर लाल से पिंक हो गया है ना, जब फुला देते हैं हवा भर देते हैं, तो जब हम उसमें हवा भर देते हैं तो पिंक हो गया। उसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूसली हमने उतनी उसमें जान डाल दी है, इतनी हवा भर दी है कि उसका जो कलर है वो पिंक हो गया है। तो पिंक होने की वजह से मतलब आप देख रहे हो कि जो वेसल है, वेसल की जो वॉल है वो काफ़ी पतली हो गई है, बारीक हो गई है, तो अब क्या होगा, वहाँ पर एन्यूरिज्म होने का खतरा है। एन्यूरिज्म हुआ तो वहाँ पर जो फिस्टुला है वहाँ पर बर्स्ट होने के चांस हैं, फिस्टुला की इंटीग्रिटी ख़त्म होने के चांस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट के कंफर्ट का ध्यान रखना है, बट उसको एक बार एक्सप्लेन करना है कि स्टेप लैडर टेक्निक के क्या फ़ायदे हैं, बटन होल टेक्निक के क्या फ़ायदे हैं, और इन टर्म्स की जहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड कैनुलेशन है, जहाँ पर आपको वेन नहीं मिल रही है, आर्टरीज नहीं मिल रही है, जहाँ पर देखो क्या है कि हमारा मकसद ये है कि हमारी जो आर्टीरियल नीडल है जिससे हम ब्लड ले रहे हैं और जिससे हम रिटर्न कर रहे हैं, वहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का गैप रखें आइदर वे, तो हमें वेन में रिटर्न करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वेन तो हम किसी को भी बना सकते हैं, बट आर्टीरियल अगर हमारी ठीक से लग जा रही है, जैसे सेगमेंट इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने सेगमेंट वाली, कि सेगमेंट अगर छोटा है, अगर आपका जो टुकड़ा है वो छोटा है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, तो सब लोग क्या करते हैं कि पूरी सुई खोंच देते हैं अंदर। भाई आप पहले काबिल टेक्नीशियन, दो टेक्नीशियन है, दोनों को 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, एक अच्छा है और एक जो है सीख रहा है अभी, तो जो अच्छा है उसमें क्या अच्छाई है, ऐसी क्या, 5 साल का एक्सपीरियंस उसने भी ले रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस उसने भी ले, वो ये देखता है कि भैया फिस्टुला लाल तो नहीं है, पहले कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं से ड्रेनेज तो नहीं आ रही है, और वो ये देखता है कि भैया सेगमेंट कितना बड़ा है, सेगमेंट के साथ तो उसकी आँख जो है नीडल की सुई पर रहती है कि इसकी लंबाई कितनी है, भाई मैं ये देख लूँ मेरा सेगमेंट इतना है, मेरी सुई की जो लंबाई है वो इतनी है, ठीक है, तो मेरे को अगर मैंने पूरी उसके अंदर घुसा दी तो वो मेरा इन्फिल्ट्रेशन कॉज कर देगी। इन्फिल्ट्रेशन तो सबको पता है ना, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इन्फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा था कैनुलेशन टेक्निक्स में, इन्फिल्ट्रेशन तो वो होता है ना जो आपने बताया था, इन्फिल्ट्रेशन जैसे पानी कम निकलना और यूरिया कम निकलना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं। अरे तुमने तो यार बिल्कुल गलत आंसर किया है, इससे अच्छा तो मेरे सारे टेक्नीशियंस बता देंगे, भाई बताओ भाई इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, कमेंट करो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन, मुझे सही आंसर आप बता दो, मुझे पता चल जाएगा। तो जैसे फिल्ट्रेशन, इन्होंने सबको समझ में आया होगा ना, फिल्ट्रेशन मतलब पानी निकालना है, यूएफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, गलत प्रैक्टिस, गलत वर्ड। तो इन्फिल्ट्रेशन जो है, आपने सुई लगाई थी वैस्कुलर एक्सेस में, वेन में लगाई थी और लग गई गलती से जाके, चीरती हुई हमारे टिश्यूज को, वहां पर देखोगे स्वेलिंग आ जाएगी, वेनस प्रेशर ऊपर चला जाएगा और ब्लड पंप स्टॉप, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या है कि आपकी मिस कैनुलेशन जो हुई है, जिसको आप आम भाषा में काउंटर होना भी बोलते हो, कि जो निडल है वो काउंटर हो गई है, सुई वैस्कुलर एक्सेस पे ना लग के टिश्यूज में लग गई है, ठीक है। तो ये सब ना हो उसके लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो हमारे सेगमेंट की लेंथ चेक करनी है और एक हमारी निडल की लेंथ चेक करनी है। तो अगर सेगमेंट की लेंथ छोटी है फिस्टुला के, आपको दिख रहा है आगे जाके मेरे को थ्रिल साउंड मिल नहीं रही है, मैं चेक कर रहा हूँ वीजिंग साउंड नहीं आ रही है फिस्टुला की, थ्रिल नहीं आ रही है, तो वहाँ तक जहाँ तक आ रही है उतना ही सेगमेंट आप अंदर भेजो निडल का, उतना ही पार्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा अंदर घुसेड़ना है, ठीक है। 50% निडल से काम चल रहा है तो इट इज़ गुड, है ना। और उसको जो आपकी कौन सी टेक्निक होती है दीपक शर्मा जी, जो माइक्रोफोन लगाने वाले,
अच्छा, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि नीडल कैसे लगानी चाहिए और हमें सेगमेंट कैसे चेक करना है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि आपको नीडल्स को फिक्स कैसे करना है, सिक्योर कैसे करना है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा ये वर्ड नया होगा, बटरफ्लाई तो सब ने सुना होगा कि बटरफ्लाई टेक्निक से हम लोग लगा देते हैं क्रॉस करके। तो बेसिकली इसको जो कहते हैं, इसका नाम है शेवरॉन टेक्निक, इसको हम शेवरॉन टेक्निक बोलते हैं। तो उसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अभी एक डायग्राम बना के, डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊँगा कि शेवरॉन टेक्निक होती क्या है, कैसे इसका फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैंने बताया कि आप ऐसे करो, तो कहते हैं कि सर इससे क्या हो रहा है कि जब हम डायलिसिस टर्मिनेशन के टाइम पे जब नीडल को आउट करते हैं तो क्या होता है कि टेप के साथ साथ नीडल भी खींच के बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो मेरा उनको सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप अपने काम को धीरे करिए, सावधानी से करिए, और इस चीज़ का ख्याल रखिए कि पेशेंट के साथ आप जो भी करेंगे उसके लिए सेफ होना चाहिए, पेशेंट को कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए आपकी वजह से, हमारी वजह से पेशेंट को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो कभी भी आपकी जो नीडल है वो टेप के साथ साथ बाहर निकल कर नहीं आएगी और ना ही ब्लीडिंग होगी। तो जी अक्सर करके पूछते हैं कि यार मेरे को है ना तुमसे सुई नहीं लगवानी, मेरे को खाली तुमसे सुई लगवानी है, मेरे को है ना दीपक से सुई लगवानी है, संजय से नहीं लगवानी, या संजय से लगवानी है दीपक से नहीं लगवानी, इसके क्या क्या रीज़न है? क्या कोई साइकोलॉजिकल रीज़न भी है? क्या मरीज़ दिमाग में लेके बैठा हुआ है कि मेरे को भाई यही वाली इसी बंदे से सुई लगवानी है? क्या तुम इतने फेवरेट बन गए उनके? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने बेसिकली ऐसा किया कि मैं जब डायलिसिस कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी जब पेशेंट मुझसे कहता था कि दीपक तुम डायलिसिस करते टाइम नीडल बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो, और जो ये संजय बैठे हुए हैं इधर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये संजय बैठे हुए हैं, संजय नीडल जब लगाते तो बहुत दर्द होता है, और संजय ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, और जब मैं दीपक तुम नीडल लगाते हो तो नीडल आप बहुत अच्छे से लगाते हो, पेन बहुत कम होता है, और आप जब भी आते हो तो ऐसा लगता है कि अब डायलिसिस ठीक से हो जाएगी। तो अगर ऐसा किसी भी सेंटर पर अगर हो रहा है तो आप यकीन मानिए ये गलत उसके लिए नहीं है, पेशेंट के लिए कुछ गलत नहीं है, ना ही दूसरे टेक्नीशियन के लिए कुछ गलत है। जो मैंने संजय को दिखाया था ये संजय के लिए भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर मैं सॉरी आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, हमारे डॉक्टर यासिर भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ये टेक्नीशियन या फिर पेशेंट के लिए गलत नहीं है, ये गलत सबसे ज़्यादा दीपक के लिए है कि दीपक ने ऐसा एक मेंटेलिटी पेशेंट की बना के रखी हुई है कि भाई मैं ही नीडल लगाऊंगा तो सही लगेगी। यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो पेशेंट की जो एक साइकोलॉजी होती है कि भाई एक बार दर्द नहीं हुआ, दो बार दर्द नहीं हुआ, जब भी दीपक ने लगाया तब भी दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है कि वो पेशेंट ये चाहता है कि उसको हर बारी दर्द ना हो, कभी भी दर्द का सामना ना करना पड़े, जो कि कभी ना कभी उसको झेलना पड़ा था किसी और की वजह से, सिर्फ इतना होता है। लेकिन हर कोई टेक्नीशियन अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो सही तरीके से नीडल लगा दे, ठीक है। और अगर क्या होता है कि गलत तरीके से अगर आप नीडल लगाते हैं, बार बार सेम पॉइंट पे आप नीडल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है नर्व इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि अंदर एक ज़ख्म बनाता रहता है जो कि हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को पेन होता है। तो पेशेंट भी यही चाहता है कि भाई मुझे बार बार पेन से गुजरना पड़ता है, ये पेन मुझे बार बार ना हो। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जब भी आप नीडल लगाएं तो सही तरीके से लगाएं, और पेशेंट को ये भरोसा आप सभी के ऊपर होना चाहिए कि ये भी अगर मेरी नीडल लगाएगा तो सही लगाएगा, वो भी लगाएगा तो सही लगाएगा, संजय भी लगाएगा तो सही लगाएगा। तो इस चीज़ का भरोसा पेशेंट को तभी आएगा जब आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, और साथ साथ आपके सभी टेक्नीशियंस की आप प्रैक्टिस कराएंगे सही तरीके से, उनको सही तरीका समझाएंगे कि इस तरीके से आपको नीडल लगानी चाहिए। और जो शेवरॉन टेक्निक की मैं बात कर रहा था, शेवरॉन टेक्निक का डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि ये है, अब आपके पास क्या होता है कि जब भी आप नीडल लगाते हैं तो आपके पास होती है माइक्रोपोर, माइक्रोपोर आपके पास कुछ ऐसी होगी, इसमें से आप एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये टुकड़ा निकाल दिया, इतनी माइक्रोपोर आपने निकाली है, इतनी माइक्रोपोर निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इक्वल इक्वल तीन टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा ये किया, एक टुकड़ा ये किया, और इस तरह से ये तीन टुकड़े बन गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक दो तीन, ये तीन टुकड़े बिल्कुल पतले पतले अलग कर लेने हैं। अब आपने क्या किया, एक नीडल लगाई है यहाँ पर,
आपने ये नीडल लगा दी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टुकड़ा नंबर वन लेना है, इसको यहाँ लगा देना है इस तरीके से ऊपर की तरफ से, ठीक है। आपने क्या किया, आगे जो नीडल है, जो बिल्कुल पॉइंट है जहाँ से नीडल बिल्कुल इंसर्ट हो रखी है, वहाँ से आपने उसको सिक्योर कर दिया है। सेकेंड नंबर आपने टेप ले लिया है, सेकेंड नंबर टेप को आपने इस तरीके से लगाना है कि नीडल के नीचे से लेना है और इस तरफ का पार्ट इस तरफ जाएगा और इस तरफ का पार्ट इस तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये टेप क्रॉस में जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ये तरीका गलत है, इस ऐसे नहीं लगाना है। आपने क्या करना है, टेप को ऐसे लेना है और ऐसे क्रॉस कर देना है, इस तरीके से क्रॉस कर देना है टेप को, बिल्कुल एक क्रॉस बनाना है, जिससे क्या होगा नीडल ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब पेशेंट टर्न करता है, कहते हैं आम भाषा में कि वो करवट ले रहा है, तो ऐसे में बहुत बार क्या होता है नीडल निकल जाती है। जब आप इसको पूरी सीधी सीधी टेप लगा देंगे इस तरीके से, तो जो नीडल है इसके ऊपर पूरा प्रेशर टेप नहीं दे पाती है, टेप का पूरा प्रेशर जा रहा होता है बाहर की तरफ, तो नीडल जो टेप होती है आपकी, इसको कभी भी सिक्योर ज़्यादा तरीके से नहीं कर पाती है। जैसे ही पेशेंट टर्न करेगा ये निकल जाएगी और ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या है कि आपको जो लास्ट थर्ड वाला जो बचा है आपका, दीपक ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, क्या तुम इसका स्पेलिंग लिख के बता सकते हो ताकि मैं और घर जाके इसके बारे में पढ़ाई कर लूं? ओके, इसकी स्पेलिंग ये होती है, क्या तुम इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो मेरे लिए? बिल्कुल। ओके, इट इज CHEVRON टेक्निक, शेवरॉन टेक्निक। ऑल राइट, सो ये है, आपने बताई, बहुत अच्छी बात बताई आपने, आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो जब भी आप इस टेक्निक से नीडल लगाते हैं, सिक्योर करते हैं नीडल को पेशेंट को, तो क्या होता है कि चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप पेशेंट के नीडल निकल जाएगी या उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप सिंपल तरीके से भी आप टेप लगाते हैं, लेकिन बहुत बार एपिसोड्स आपको देखने को मिलते हैं कि नीडल निकल गई है और पेशेंट का ब्लड बहुत सारा निकल गया है। बहुत सारा भी नहीं, 10 ml भी अगर निकलेगा तो पेशेंट को वो बहुत भारी लगता है, साइकोलॉजिकली उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके दिमाग में आता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरा ब्लड निकल गया। या आपके ऊपर वो शाउट भी करते होंगे कि जी आपने मेरा ब्लड निकाल दिया, मेरा ब्लड बनता ही बड़ा मुश्किल से है और आपने ये कर दिया। फिर वो कभी भी, वो एक जो ट्रस्ट आपके ऊपर था वो कभी भी पेशेंट दोबारा नहीं बना पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि शादी वापस कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि आपके पास जो मरीज़ आ रहा है वो हमेशा आने वाला है, 5 साल 10 साल 15 साल, तो हमें जो मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ानी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं, ये आपके मरीज़ के 5 साल भी बढ़ा सकती है। क्या होता है कि मान लो हमने क्या किया, जैसे एक डॉक्टर साहब ने मेरे को एक बात बताई थी, मेरे दिल में घर कर गई है वो बात। वो ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि हेपेटाइटिस सी जो है 100 में से 3 बंदों को हो सकता है अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, ठीक है जी। तो 100 में से 3 बंदों को हो सकता है, 97 को नहीं हो सकता, नहीं होता। लेकिन जिन 3 के लिए हुआ है, जिन 3 को हुआ है, वो उन 3 की तो ज़िंदगी पूरी की पूरी चली गई ना। तो हमारी जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर हमने एक बार भी मिस कर दी, 16 बार हम फॉलो कर रहे थे, 17वीं बार हमने मिस कर दी और उसी वक्त हमारे उंगली पर इन्फेक्शन बैठा हुआ था, माइक्रोपोर हमने उसी दिन शेवरॉन टेक्निक से नहीं लगाई, उस दिन हमने नॉर्मल लगा दी और उसी दिन ब्लड लॉस हो गया, तो उसी दिन हमारा ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और विश्वास कराना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग रहे और आप अच्छी पेशेंट केयर दे पाओ। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, हम ये सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। और बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम पर्सनली लेते रहेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिए, जिससे कि हम आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर सकें और आपके आंसर्स दे सकें। तो मैं टाइम का टर्न करता हूं, अभी आपसे बात करेंगे डॉक्टर यासिर, तो लीजिए। ठीक है, एक
मुझे नाम याद नहीं आ रहा हमारे टेक्नीशियन का, उन्होंने हमसे पूछा था कि स्लड डायलिसिस में क्या पंप स्पीड रखी जाए और ब्लड फ्लो रखा क्या रखा जाए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें, मैं आपको कोशिश करूंगा दो चीज़ों का मैं आपको आंसर दूं। एक क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था कि नए पेशेंट की हम डायलिसिस करें तो किस तरह करें, ठीक है। नया पेशेंट जब हमारे पास कोई भी आ रहा है डायलिसिस का, तो थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस पेशेंट का कभी देखा नहीं है पहले कि उसकी डायलिसिस हुई है। क्योंकि हम पेशेंट की डायलिसिस शुरू करते हैं तो हमें उसकी, आपने देखा होगा किसी किसी पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, और किसी किसी पेशेंट्स को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। तो नई डायलिसिस जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट की, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उस टाइम जो हम उसका ब्लड फ्लो रेट रखेंगे, जैसे आज उसकी पहली डायलिसिस हम कर रहे हैं, तो उसका ब्लड फ्लो रेट हम कोशिश करेंगे 180 से ज़्यादा ना रखें, 150 टू 180 रखें, ठीक है ना। उसका डायलिसिस फ्लो हम कोशिश करके हम रखेंगे, उसका हम डायलिसिस फ्लो 300 रखें, 300 से ज़्यादा ना बढ़ाएं, ठीक है ना। उसकी डायलिसिस का ड्यूरेशन जो है वो भी हम ज़्यादा नहीं रखें एज़ पर एडवाइस, और कोशिश करके उसको 2 से 2.5 घंटे का रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो एक बढ़ा हुआ लेवल है यूरिया क्रिएटिनिन का, हो सकता है जब पेशेंट आपके पास आए तो उसका यूरिया 200 हो और उसका क्रिएटिनिन शायद 11 या 12 हो। तो अगर हम एज अ नॉर्मल पर्सन सोचें तो हम सोचेंगे कि हाँ हम उसकी 4 घंटे 6 घंटे की डायलिसिस कर देते हैं और लेवल्स को जल्द से जल्द रिड्यूस कर देते हैं कि हमारे पेशेंट को आराम आ जाए। बट ऐसा नहीं है, हमें वो लेवल्स को तुरंत हम बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर वो काफ़ी समय से हैं वो लेवल्स यूरिया क्रिएटिनिन के। अगर आप तुरंत उसको रिमूव कर देंगे तो DDS में जाने का खतरा है, आपके न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स और क्रिएट हो सकते हैं पेशेंट को, जो आपको पेशेंट को फर्दर डैमेज कर सकते हैं। तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट बात फिलहाल याद रखिए, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, कि उसका ड्यूरेशन बहुत कम रखिए, कोशिश करके 2 से 2.5 घंटे की हम वो डायलिसिस करें, और ब्लड का जो फ्लो रेट है उसको कोशिश करके 150 से 180 तक के बीच में रखा जाए, और तीसरा जो उसका डायलिसिस फ्लो है उसको 300 रखा जाए। और थ्रू आउट द प्रोसीजर जितनी देर उस पेशेंट की डायलिसिस चल रही है, कोशिश करिए कि उसको क्लोजली मॉनिटर करें कि उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको जज कर पाएं। सो थैंक यू डॉक्टर यासिर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे टेक्नीशियंस को, और काफ़ी अच्छा लगा होगा आप ही लोगों को कि ये सारा कुछ जानने के बाद। तो अभी संजय हैं हमारे साथ, संजय आपसे कुछ बात करेंगे। हम कैसे एडिक्वेसी मेंटेन कर सकते हैं? तो ये मान के चलिए कि अगर आप एक एडिक्वेट डायलिसिस मरीज की कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके सर्वाइवल रेट पे आपको देखने को मिलेगा, कि जो लॉन्ग टर्म पेशेंट आपके डायलिसिस पे सर्वाइव कर रहे हैं वो सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी अगर आप एडिक्वेट डायलिसिस मरीज को दे रहे हैं। आजकल के टाइम में बड़ा कॉमन है कि मतलब टाइम कम कर देना, ब्लड फ्लो स्पीड कॉम्प्रोमाइज कर देना, डायलिसिस फ्लो स्पीड कॉम्प्रोमाइज कर देना, एक क्लॉटेड डायलाइजर पे डायलिसिस कर देना मरीज की। बट ये आपको तुरंत टाइम में पता नहीं लगेगा, आप अगर आज आप डायलिसिस कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं मरीज पे, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जब आप इस चीज़ को एनालिसिस करोगे अपने सेंटर पे, तो आपको पेशेंट का सर्वाइवल रेट कॉम्प्रोमाइज दिखेगा। तो इस पे और जो बताई गई हैं चीज़ें, दीपक सर ने आपको बताई, शादी सर ने आपको बताई, डॉक्टर याफिर ने जो आपको बताई, आप वो सारी चीज़ों को फॉलो करें और डायलिसिस की एडिक्वेसी मेंटेन करके रखें अपने सेंटर पे। अगर मैं एक टेक्नीशियन हूँ, आज मैं डायलिसिस कर रहा हूँ एक मरीज की, तो मैं इसको एक एडिक्वेट डायलिसिस करके ही घर भेजूँगा, ये मेरा ओथ होना चाहिए। नेक्स्ट, आप सब जो भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है, आप पार्टिसिपेट किए, और इस जानकारी को या इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने जो और भी कलीग टेक्नीशियंस हैं या जो आपके जूनियर टेक्नीशियंस हैं, आप उनको और ट्रेनिंग दें, और जो भी DC के टेक्नीशियंस हैं हमारे सेंटर के, वो अपने सेंटर को ट्रेनिंग करके अटेंडेंस भी मेंटेन करें, ठीक है, ताकि फिर फर्दर हम और भी टॉपिक ऐसे इनिशिएट करें और यहाँ पे लाइव आके आप लोगों से और भी डिस्कशन करें और बातचीत करें। थैंक यू। अब दीपक आपसे बात करें। ओके, तो सेशन को यहीं कंक्लूड करेंगे। तो जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी सीनियर टेक्नीशियंस हमसे जुड़े हैं या जो भी जूनियर टेक्नीशियंस हमसे आज जुड़े हैं इस सेशन में, लाइव सेशन में आए थे,
आप लोगों को क्या करना है, अपने जूनियर टेक्नीशियंस को या अपने साथ के जो दूसरे जूनियर टेक्नीशियंस हैं या फिर सीनियर टेक्नीशियंस, समहाउ वो अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उन लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे और साथ में क्या करेंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अटेंडेंस रिकॉर्ड बना करके आपको अपने फाइल्स में लगाना है, जो भी आपके सेंटर की फाइल है ट्रेनिंग रिकॉर्ड वाली। ओके, बस इतना आप ख्याल रखिएगा कि आपको ये सारा कुछ बनाना है। और जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, क्या विभिन्न प्रकार की डायलिसिस मशीनों से भी एडिकेसिड? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है विष्णु कुमार, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ पड़ता है कि आप डायलिसिस किस तरीके से कर रहे हैं। जो भी आज हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, इनमें कभी भी हमने यही नहीं कहा कि अगर फ्रिजनिस की मशीन है तो उससे अच्छी होगी, निप्रो की मशीन है तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्लेट डायलिसिस एंड ब्लड फ्लो रेट ये हो गया। थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव सेशन। मोनिका सिंह वेलकम, मोस्ट वेलकम। अवंतिका चतुर्वेदी थैंक्स, ओके वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुजाहिद खान वेलकम। सो अभी हम लोग चलते हैं, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज इंटरेक्ट करके, बहुत मज़ा आया। आपसे हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, और बाकी अपने जूनियर से भी कराइए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।